सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं रितेश कुमार, स्वागत है मेरे इस चैनल के फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज आप देख सकते हैं पीसी 415 है, इसका जो है आज लाइव टेस्टिंग होने वाला है। तो सारा कुछ इस वीडियो पे आप लोगों को दिखाने को मिलेगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा स्पीकर का यूज हुआ है, कितने वाट का मशीन कनेक्शन वगैरह सारा कुछ जो है इस वीडियो पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहे तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो 415 पर है वहाँ पर अभी स्पीकर टाइट हो रहा है, जो कि नेपाल भाई हमारे कर रहे हैं। और सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। तो अब आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा स्पीकर से। तो भाई लोग, ये जो है स्पीकर जो है ऑडियो का स्पीकर है, जो कि 2228 का V3 का एक नया मॉडल आया हुआ है, वही स्पीकर है 1000 वाट का, ठीक है। तो ये स्पीकर कौन कौन भाई लोगों ने यूज किया है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पर बने रहे, सारा कुछ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे नेपाल भाई जो है अभी स्पीकर को फिटिंग कर रहे हैं, फिर स्पीकर में वायर जोड़ेंगे और सारा कुछ मशीन अनबॉक्सिंग करेंगे, कौन सा मिक्सर लगाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे यामाहा से जो है साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ। यामाहा मिक्सर जो कि 10 चैनल का यामाहा, बहुत ही बेहतर क्वालिटी है यामाहा में। कौन कौन भाई लोग अभी यामाहा यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ज़्यादा वीडियो को ना देर करते हुए थोड़ा वीडियो को मैं स्पीड भगा के ले जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा टेस्टिंग रहा और कैसा कैसा कनेक्शन वगैरह सारा कुछ। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। सो गाइस, अगर आप लोग डीजे लेने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे यहाँ से जो है डीजे ले सकते हैं। डीजे पंकज कैबिनेट से बहुत ही बेहतर क्वालिटी के यहाँ पर कैबिनेट मिलता है, और 5 साल के फुल वारंटी के साथ, सॉरी गारंटी के साथ यहाँ पर कैबिनेट दिया जाता है। 5 साल के अंदर आप अगर उसको फटा लेते हैं तो रिप्लेसमेंट हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं दो जो है हम लोग का 415 का बॉक्स रेडी हो चुका है स्पीकर लग के, और तीसरा वाला भाई हमारे नेपाल भाई और एक भाई है वो निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए, और दो बॉक्स बाकी है अभी स्पीकर फिटिंग होने में, और फिर बॉक्स को लगाया जाएगा, वायर कनेक्शन किया जाएगा, उसके बाद जो है साउंड टेस्टिंग किया जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। वीडियो को एकदम पूरा देखना तभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चारों बॉक्स में हमारे स्पीकर फिटिंग्स हो चुके हैं, और दो बॉक्स हमारे नेपाल भाई पवन भाई मिल के लगा चुके हैं, और दो बॉक्स अभी लगाना बाकी। तो फटाक से वो बॉक्स भी लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ का कुछ नज़ारा देखिए, यहाँ पर दो बॉक्स है और वो दो बॉक्स लगा हुआ है। तो चलिए फटाक से, चलो भाई लोग जल्दी से उठाओ, जल्दी से लगाओ। और यहाँ पर देख सकते हैं तो भाई नेपाल भाई हमारे एक तरफ अकेले पकड़े हैं, और पवन भाई और पंकज भाई एक तरफ पकड़े हैं, मतलब नेपाल भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ये तीसरा नंबर का भी बॉक्स लग चुका है, ठीक है। अब बस चौथा नंबर वाला बॉक्स लगना बाकी, फिर वायर कनेक्शन होगा और टेस्टिंग होगा, मशीन का अनबॉक्सिंग होगा, मिक्सर का अनबॉक्सिंग होगा, सारा कुछ जो है देखने वाला हूँ इस वीडियो पे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चौथा नंबर का बॉक्स देखिए लग चुका है, और भाई लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि चौथा नंबर का बॉक्स जो है थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मिल के ज़्यादा भाई मिल के इसको उठा रहे हैं। तो ये लग चुका है चौथा नंबर का बॉक्स, अब जो है इसके ऊपर ट्यूटर भी लगेगा, सॉरी मैं ट्यूटर बोलना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पर 3 दिन ट्यूटर करके 6 ट्यूटर इसमें लगेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फटाक से। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पहला ट्यूटर जो है यहाँ पर, सॉरी 3 ट्यूटर मैंने कहा था, यहाँ 6 ट्यूटर 12 ट्यूटर है, क्योंकि एक हच में 2 ट्यूटर लगा हुआ है। और ये नेपाल भाई ट्यूटर को चढ़ा रहे हैं एक साइड से, और फिर से उस साइड से अभी 6 ट्यूटर चढ़ाएंगे, जो कि दो भाग में है, 6 से 12 ट्यूटर, ठीक है। क्योंकि पार्टी का रिक्वायरमेंट था कि हमको दो भाग में चाहिए, वैसे तो एक भाग में रहता है ट्यूटर, यानी 12 पीस ट्यूटर रहता है, तो वो देखने में बहुत ही हैवी लगता है। लेकिन यहाँ हमारी जो है पार्टी जो ले रहे थे डीजे के, उनका रिक्वायरमेंट था कि हमको दो भाग में चाहिए, क्योंकि वो जो है भाड़ा में चलाएंगे 2-2, 4-15 करके, अगर एक जगह में 2-2, 4-15 चलाएंगे तो उसके साथ ट्यूटर भी चाहिए, इसीलिए उनका जो रिक्वायरमेंट था दो जगह था। और यहाँ पर देखिए कुछ कैबिनेट ऑर्डर से बना हुआ है, ये 18 है, जो कि
क्रॉस मॉडल में है और यहाँ पर चारों बॉक्स जो हम लोग का लग चुका है और भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का 10 चैनल का यामाहा का मिक्सर जो कि MG10XU, ये आप लोगों ने अगर यूज़ किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन भाई ये मिक्सर को यूज़ किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी और बेहतरीन साउंड क्वालिटी है। तो चलिए देखते हैं फटाक से। अब भाई लोग हमारे जो है वायर को कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर जो होते हैं 4K के पीछे में जो वायर कनेक्शन होता है उस टाइम स्पीकर लगता है। तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 2.5 mm का वायर है, ठीक है। ये देखिए ये 2.5 mm का वायर है, इस पर स्पीकर लगाया जा रहा है अभी, फिर अभी कनेक्शन होगा और साउंड टेस्टिंग भी होगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पवन भाई अभी जो है तार जोड़ रहे हैं 4-15 में, और ट्विटर का ऑलरेडी तार जोड़ा हुआ है। तो फटाक से जो है तार जोड़ लीजिए आप लोग और देखते हैं टेस्टिंग। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि चीज़ टेस्टिंग देखने के लिए बहुत भाई लोग अभी आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है हम लोग का सेटअप। और यहाँ पर एक 7.5 kV का जनरेटर है जो कि इसमें अभी टेस्टिंग नहीं होगा। और यह हमारी मशीन जो है देख सकते हैं 2.5 kV का स्टेबलाइजर है और 2.5 वाट का मशीन। अब आप लोग बहुत सारा लोग कमेंट भी करेंगे कि 2.5 वाट का दो मशीन क्यों है, क्योंकि पार्टी का रिक्वायरमेंट था कि दो जगह में जो ट्यूटर बजाना है, अगर कहीं पे वो भाड़े पर लगाता है दो जगह में 2-2, 4-15 करके, तो उसके साथ ट्यूटर भी देना ज़रूरी है, इसीलिए दो जगह में वो 250 वाट करके लगाए, जो कि 250 वाट मतलब 6 ट्यूटर 1-250 वाट में बजेगा। और यहाँ पर पवन भैया देखिए मिक्सर का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उतना खास अनबॉक्सिंग नहीं है, फटाक से कर रहे हैं, क्योंकि फटाक से जो है आप पार्टी को चेक करके फिर से उन लोगों को लौटना भी है, क्योंकि बहुत देरी हो गया था, 12 बजे से पार हो गया था दोपहर। तो यहाँ पर मिक्सर के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक एडाप्टर, ठीक है, जिसमें आपको DC वोल्ट से ये मिक्सर चलेगा, और साथ में कुछ पेपर वगैरह है, और साथ में एक है मिक्सर जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बनावट जो है वो काफ़ी हैवी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये चैनल जो है जो कि ये मिक्सर 10 चैनल का है, ठीक है। तो कौन कौन भाई ये मिक्सर यूज कर चुके हैं ज़रा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मशीन वगैरह सारा कुछ जो है रेडी हो चुका है, अब जो है डायरेक्ट टेस्टिंग होगा और आप लोगों को दिखाएंगे कैसा रहा टेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को बने रहे, बहुत जल्द टेस्टिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हाँ है।